फुलेरा कस्बे में लगातार कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए फुलेरा पुलिस के जवान लगातार सड़कों पर रह करके आमजन से कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवा रहे हैं। पुलिस के जवान कोरोना योद्धा बनकर के लगातार कस्बे में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जिसके अंतर्गत बिना वजह बाहर घूमने वालों को गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ में लगातार कार्यवाही की जाएगी। थाना अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि फुलेरा थाना क्षेत्र के वासियों को कोरोना संक्रमण होने से बचाने के लिए हमारे पुलिस के जवान हमेशा तैनात हैं। साथ ही गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से पेश भी आया जाएगा। रविवार की सुबह की बात करें तो पुलिस प्रशासन व पालिका अधिशासी अधिकारी ने जोबने रोड पर खाद बीज की 3 दुकानों को लॉकडाउन गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 72 घंटों के लिए सीज किया है। वह बेवजह घूम रहे वाहन चालकों के चालान काटे व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी चालान काट करके वाहन जब्त किए हैं। लॉकडाउन के अंतर्गत शहर का निरीक्षण करने पर किसान एग्रो का खुली मिली, जो नियमानुसार सोमवार और बुधवार को खुलनी चाहिए थी, उसको आज सीज करने की कार्रवाई की विदा दी गई कि प्रथम नहीं खोले बेहतर के तरीके सीज दी गई है। सभी बाजार में ऐसा ही उल्लंघन करेगा कानून का, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर आज जो आपने कार्रवाई की है सर, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त बताएं। आज साप्ताहिक लोग वीकेंड लॉकडाउन में हम सुबह से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कई दुकानें को बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी खोल रहे हैं, जिसमें जैसे आज 3-4 दुकानें थी जो खाद बीज की थी, उनको हमने पूर्व में पहले भी चेतावनी दिया था, मगर चेतावनी के बावजूद भी उन्होंने शनिवार और संडे को वीकेंड लॉकडाउन की पालना नहीं किया। नहीं करने पर हमने श्रीमान ईओ साहब नगर पालिका के सूचित किया, उनके तहत हमने सामूहिक रूप से 3 दुकानों को सीज किया। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ हमने 5 व्हीकल जब्त किए, 8-10 चालान किए हैं, और नहीं कोरोना गाइडलाइन सोशल डिस्टेंस मास्क नहीं लगाने के कारण निरंतर हमारी कार्रवाई जारी है।